Options. Yesterday we discussed about CSS file. तो एक तो बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो कल मैंने देखा कि आपने जो टाइपिंग के टाइम जो मिस्टेक्स की थी यू आर इन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल आपने कोई टैग डिक्लेयर नहीं करना, आपने वहां पे हेड टैग बॉडी टैग एचटीएमएल टैग ऐसा कुछ भी नहीं देना. यू विल टाइप ओनली द कमांड्स अलोंग विद सेपरेट योर टैग जिसके ऊपर आपने अप्लाई करनी है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू अप्लाई दी डिजाइनिंग ऑन बॉडी टैग, तो सिंपल आपने बॉडी टैग लिखना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करनी है, इन बिटवीन कमांड्स लिखनी है और एवरी कमांड विल बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. क्लियर? और प्रेफर करना है कि योर कोडिंग शुड बी इन स्मॉल केस. ठीक है. नेक्स्ट इज यहां पे कहीं पे भी इक्वल टू साइन नहीं यूज होता. इक्वल टू साइन की जगह आपने कॉलन यूज करना है. ठीक है. जो कॉमन मिस्टेक्स जो कल थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मिस्टेक्स थी कि आप इक्वल टू साइन यूज कर रहे थे. इक्वल टू साइन यूज नहीं करना, कॉलन लगाना है, सेपरेटर में सेमी कॉलन होगा एंड देयर विल बी नो एनी टाइप ऑफ एचटीएमएल स्ट्रक्चर. यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल स्ट्रक्चर नहीं होगा, हेड टैग बॉडी टैग लाइक दिस ऐसा नहीं होना. ये जो हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं बॉडी, यहाँ पे सिर्फ हम बता रहे हैं कि हमने ये बॉडी टैग के ऊपर हमने ये डिजाइन अप्लाई करना है, नथिंग एल्स. इसके अलावा कुछ नहीं. जैसे सेकंड इज H1 के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट टैग के ऊपर, ये सारे के सारे हमने डिफाइन किए कि हमने ये डिजाइनिंग किस किस टैग के ऊपर अप्लाई करनी है. नाउ नेक्स्ट इज, और जब आपने व्हेनेवर यू विल कॉल फंक्शन द वेब पेज, सो वेब इन वेब पेज व्हाट यू विल डू, लुक एट हियर. इन वेब पेज सिंपली टाइप द कोडिंग, ठीक है, और जस्ट इंपोर्ट डिजाइनिंग फाइल. डिजाइनिंग वाली फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है? बाय यूजिंग लिंक टैग, बस और कुछ नहीं करना आपने. ऑल द फॉर्मेटिंग विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड. लिंक टैग लगाना है, लिंक टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस आरईएल स्टाइल शीट एचआरईएफ नेम ऑफ द सीएसएस फाइल. कौन सी फाइल? जो हमने ये बनाई थी फाइल, इसका नेम देना है. कल क्या हो रहा था कि आपने फाइल बनाई थी एबीसी और इंपोर्ट कर रहे थे माई फाइल. तो माई फाइल अगर सीएसएस फाइल आपके कंप्यूटर में है ही नहीं तो आप उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हो? तो आपने जो फाइल सीएसएस फाइल बनाई है उसी को इंपोर्ट करना है. वो फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है. और उसके बाद आपने लिंक टैग को, इट इज ए नॉट ए कंटेनर टैग, इट इज एन एम्प्टी टैग. ये एम्प्टी टैग है तो इसको बंद कर दे. और जिस जिस टैग के ऊपर आपने डिजाइनिंग की है उस टैग के ऊपर ऑटोमेटिकली डिजाइनिंग अप्लाई हो जाएगी. क्लियर हो गया यहां तक? नाउ कम इन. नाउ नेक्स्ट इज कल हमने जो बॉयज लुक एट हियर बेटा, हम डिफरेंट सीएसएस कमांड्स जो हमने डिस्कस कर रहे थे, इनमें से जो सबसे पहले इसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं. दीज आर इन सीएसएस टर्म, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज. ठीक है. यहाँ पे बॉडी रिपीट, दिस इज अ प्रॉपर्टी, एंड हियर इज बैकग्राउंड इमेज, दिस इज अ प्रॉपर्टी. ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे. वो कर रहे थे हम कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज की. तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी कि अगर हमने कोई बैकग्राउंड कलर लगाना है तो यू विल टेक बैकग्राउंड देन कलर. ओके. This will set a solid color as a background. And remember one thing, body, your color may be color code. Like you can take here colon, ठीक है? आप इसको red ले सकते हो, तो red color आ जाएगा. ये कल हमने ये discussion की थी. Even you can take color code. Now the question is, in place of color name,
वी शुड प्रेफर कलर कोड. रीजन इज कलर कोड में बहुत से कॉम्बिनेशन हैं जो आपको मिल जाएंगे. मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, फोटोशॉप. सो लुक एट हियर इन ए फोटोशॉप, दिस इज ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर फॉर इमेज एडिटिंग. प्रेजेंट टाइम में भी आपके पास अगर फोटोग्राफी या कोई भी जिसमें डिजाइनिंग वर्क हो रहा है उसमें फोटोशॉप यूज होता है. तो लुक एट हियर, हियर इज ए कम्युनिकेटर, कम इन फर्स्ट लाइन, यहाँ पे कम्युनिकेटर. Now look at here. When I open Photoshop, let me close the door. When I open Photoshop and click on color here, so यहाँ पे देखो कितने colors हैं. Suppose I want to take a boys, look at here, green color. So there are different combinations of green color. ठीक है, और इसका जो कोड है वो बॉटम में आ रहा है. ये देखो, व्हाट यू विल डू, यू विल कॉपी दिस कोड. तो दिस इज ए आरजीबी, कितनी क्वांटिटी होगी. जैसे जैसे आप इसको चेंज करते रहोगे आरजीबी की क्वांटिटी चेंज हो रही है. जैसे ये देखो 24, 194, 56, जैसे आप चेंज करोगे इसको तो आप ऑटोमेटिकली कलर विल बी चेंज. इस कोड को आपने कॉपी करना है. एंड इन कोडिंग आपने इसको यहां पे कलर कोड लगा देना है और इसके आगे लगाना है हैश. ओके, तो ऑटोमेटिकली वो कलर अप्लाई हो जाएगा. जैसे हम ये वाला अप्लाई करके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर इन माय कोडिंग माय वेब पेज इज दिस वन. ठीक है, इसको मैंने यहां पे सॉरी आई विल हैव टू अप्लाई इन सीएसएस. मुझे सीएसएस में बेटा एक बिग में से टू स्टूडेंट इन वन रो. आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ. तो जहां पे आपकी कोडिंग है इन सीएसएस फाइल, आपने यहां पे अप्लाई कर दिया कलर. अब कलर अगर अप्लाई हो गया तो यहां पे रिपीट का नो एनी यूज, क्योंकि रिपीट किसके लिए होता है, इमेज के लिए, कि आपकी रिपीट हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल. तो यहां पे हमने इसको हटा देना यहां से. आई सेव दिस एंड ओपन द वेब पेज इन ब्राउजर. और अगर आपके यहाँ पे अगर डिजाइनिंग नहीं अप्लाई हुई तो एक बार चेक करना आपने कि डिजाइनिंग. मैं चेक कर लेता हूँ, वही मैं चेक कर लेता हूँ. Is it clear? So many color combinations are there, millions combinations are there. So you can take that combinations from the any software like Photoshop. वहाँ से ले सकते हो obviously. Next is we applied color background color. Then we have already used background. Image. Here you will take a URL in bracket, in double quotes, you will take the name of the file. So that file will be the set as a background. ठीक है, background में लग जाएगी. और in case आप चाहते हो कि आपकी जो background है, if size is very small, तो वो repeat हो, tiles में बन जाए. ठीक है, vertical और horizontally. तो हमारे पास एक property है, that is called background repeat. Okay, and you will give the value like repeat. Beta, no any discussion. Look at here, both sides horizontally, vertically. और अगर आप साथ में x दोगे, ठीक है, तो x axis में आएगी. ठीक है, और y दोगे तो vertical आएगी, x दोगे तो horizontally आएगी. तो ये values हमारे पास है. Repeat की कौन कौन सी values हैं? Yes, sir, ये repeat function जो है आपने बताया, ये फोटो में या
इमेज में ही अप्लाई होगी कि दूसरे केस में भी? इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इमेज. ओके, इट इज एप्लीकेबल ऑन इमेज बेटर. नेक्स्ट इज, ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट इज, देयर इज वन प्रॉपर्टी कलर. सो दिस प्रॉपर्टी विल सेट द कलर ऑफ एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट मटेरियल. ठीक है, टेक्स्ट डाटा के ऊपर आपका वर्क करेगा. तो टेक्स्ट में आपने कलर इक्वल टू नॉट इक्वल टू साइन, कॉलन साइन, क्योंकि यहाँ पे कॉलन साइन ही लगता है. तो आप दे सकते हो रेड, दे सकते हो या कलर कोड दे सकते हो लाइक दिस. ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और इन माई सी एस एस फाइल यहाँ पे मैंने फॉन्ट यूज किया हुआ है. इन प्लेस ऑफ येलो आई एम यूजिंग दिस कलर. पर प्रॉब्लम इज कि बैकग्राउंड कलर डिफरेंट करना है, तो आपने थोड़ा सा, मैं यहाँ से इसको डिफरेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे 18 की जगह 20 और डी ले रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा. सेव. ओके, है ग्रीन का कॉम्बिनेशन बट हल्का सा चेंज हो गया क्योंकि मेरी क्वांटिटी चेंज करती. सो नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज करेंगे वो फॉन्ट के ऊपर करेंगे. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर इज एप्लीकेबल ऑन फॉन्ट. ठीक है, सपोज यू वांट टू अप्लाई टाइम न्यू रोमन. ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज है. ठीक है, अब इसका लिंक कलर के साथ नहीं है. जो पहले था हमारे पास लिंक बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज. ठीक है, अब जो हमने करने जा रहे हैं दैट दीज प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ऑन फॉन्ट मींस टेक्स्ट के ऊपर. फर्स्ट वन इज फॉन्ट फैमिली. ओके, इन फॉन्ट फैमिली यू विल हैव टू डिफाइन हियर नेम ऑफ फॉन्ट. ठीक है, कौन सा फॉन्ट आपने अप्लाई करना है. ठीक है, तो टाइम न्यू रोमन भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने अप्लाई करके देखना है. क्लियर. और एक चीज याद रखनी है मैडम कि यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है. सपोज मैंने एक फर्स्ट कलर फर्स्ट फॉन्ट का नेम दे दिया और कॉमा लगा के मैंने सेकंड फॉन्ट का नेम दे दिया. इसका मतलब ये हुआ अगर फर्स्ट फॉन्ट इज नॉट अवेलेबल इन योर कंप्यूटर सिस्टम सेकंड फॉन्ट विल बी अप्लाइड. ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दिया टाइम न्यू रोमन और सेकंड में दे दिया एरियल. इफ टाइम न्यू रोमन इज नॉट अवेलेबल इन योर कंप्यूटर एरियल विल बी एप्लीकेबल. क्लियर हो गया. अब आपने इसके बाद में प्रॉपर्टीज कराने के बाद आपने फॉन्ट टैग के ऊपर ये अप्लाई करके देखना है. ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर. सेकेंड वन इज फॉन्ट स्टाइल. ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल आप बेटा यहाँ पे जो डबल कोट्स यूज भी कर सकते हो उसके साथ. ठीक है, जैसे मैंने ये वैल्यू दी है, डबल कोट्स ना भी यूज करो, इट इज नॉट कंपल्सरी. इन HTML आल्सो डबल कोट्स इज नॉट कंपल्सरी विद वैल्यूज. ठीक है, तो वैल्यू के साथ लगा भी लो ना भी लगाओ. पर अगर आपके पास लिखा हुआ है टाइम न्यू रोमन तो गैप आ गया ना वर्ड्स में, तो वहां पे आपको डबल कोट्स यूज करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे सिंगल वर्ड है, नो नीड टू यूज दैट. नाउ फॉन्ट स्टाइल. ओके बेटा, फॉन्ट स्टाइल यू मेक योर टेक्स्ट इटैलिक और बोल्ड. ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसके साथ वैल्यूज देनी है लाइक इटैलिक. ठीक है, तो आपके पास इटैलिक हो गया. तो देर आर डिफरेंट, फर्स्ट इज नॉर्मल. ठीक है, देन इटैलिक. सो अब आपने क्या करना है, पहले एक CSS जो आपने कल बनाई थी, ओपन दैट CSS. ठीक है, ओपन करो बेटा. यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ क्या बनाना आपने, क्योंकि उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे. ओपन CSS. आपने नहीं बनाई तो ये वाली बनाओ, मैं बाकी चीजें यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ. तो वहां पे देखा तो होगा ना, तो बेटर ये होता है कि वहां पे भी आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो उसको. ये देखो बेटा इधर, अब हमने एक CSS बनानी है जिसमें सिर्फ H1 लेना है. कलर, ये फॉन्ट का कलर हो जाएगा. फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज,
सेमीकॉलन फॉन्ट स्टाइल, ये दो पहले जल्दी टाइप टाइप इन नोटपैड, हाँ ये टाइप करना है, और सेव दिस फाइल विद एक्सटेंशन .css, ओके, फाइल नेम मे बी डिफरेंट बट एक्सटेंशन मस्ट बी .css, जल्दी से करो बेटा, ओपन नोटपैड, in this file you will not type any other things, only h1 curly bracket start, these are the properties, after creating css file you will make another file your html file, MCQs के आंसर तभी दोगे ना अगर आपको बेसिक्स क्लियर है। वन क्वेश्चन फॉर यू बेटा, इन केस अगर मैं यहाँ पे, ये पॉसिबल है अगर हम ऐसे दे दें, क्लियर, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे इसके साथ टाइम न्यू रोमन देना है तो डबल कोट्स यूज करने, क्योंकि टाइम न्यू रोमन में वर्ड्स डिफरेंट है, ठीक है, ऐसे करो, नो एनी लिमिट, ठीक है, बट दीज आर एप्लीकेबल इन केस पेरेंट फॉन्ट इज मिसिंग, उससे पहले अगर सपोज वर्दाना इज मिसिंग, एरियल विल बी एप्लीकेबल, इफ एरियल इज मिसिंग टाइम न्यू रोमन विल बी एप्लीकेबल, तो रिमेंबर दिस, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ए वे आप मल्टीपल फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली, सॉरी, देखो बेटा एक हमेशा याद रखो, आपके ब्राउजर में एक डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल हमेशा होता है, अगर आपके ब्राउजर की सेटिंग खोल के देखना तो वो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हो इन एवरी ब्राउजर, एक ब्राउजर में अपना सेटिंग में जाके चेक करना उसकी प्रॉपर्टीज में, यू विल फाइंड वहां पे होगा, तो आपने लिंक टैग लगाना है सिर्फ, अगर अगर सारे मिसिंग हो तो डिफॉल्ट उठाएगा जो ब्राउजर में सेट,
बट अप्लाई कर लिया आपने। देखो ये HTML फाइल है, दिस इज ए CSS फाइल, डॉट CSS, दिस इज डॉट HTML। जो आपके पास फॉन्ट स्टाइल्स है, ये आपके पास इटैलिक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ओब्लिक हो सकता है, देयर आर थ्री ओनली। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इटैलिक, नॉर्मल, ओब्लिक। ठीक है, ये आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से टाइप द कोडिंग, अदरवाइज दीज प्रॉपर्टीज यू विल हैव टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज एंड विदाउट टाइपिंग दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे, सर लिंक टैब को दिखाना। थैंक यू सर। वेलकम। HTML का है। ओके बेटा, इफ योर वर्क इज कंप्लीट वी आर गोइंग टू अनदर प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका बेटा। इन सेम लाइन यू विल टाइप, हियर आई रिड्यूस द साइज ऑफ द विंडो, दैट्स व्हाई HREF shifted to next line, पर आपने एक ही लाइन में टाइप करना है। हो गया, आपने अप्लाई करके देखो उसको। Another property, देखो बेटा last property, no need to use semicolon, पर इसके बाद अगर मैं एक और property टाइप कर रहा हूं तो I will have to use semicolon here, okay? Here is font variant. Okay, so here is in lower classes, boys listen beta, in lower classes हमने एक feature किया होगा MS Word में change case, ठीक है, small, ठीक है, sentence case, तो same चीज आप यहाँ पे भी apply कर सकते हो। तो हमने data किसी भी format में लिखा हुआ है, you can change that. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट वे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज योर स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो अप्लाई करके देखो, देन यू विल फील द डिफरेंस। और नॉर्मल, देर आर टू वैल्यूज ओनली, स्मॉल कैप्स एंड नॉर्मल। नॉर्मल में एज इट इज लिखने की भी जरूरत नहीं, बट वेन एवर यू विल यूज दिस, सपोज मैंने अप्लाई कर दिया इसको, सेव, आई एम सेविंग दिस। ये देखो इधर, जो आपके पास जो हमने टाइपिंग की थी इन HTML, ये देखो बेटा इधर, लुक एट हियर, क्लास सी आपके पास कैपिटल है, रेस्ट ऑफ टेक्स्ट आपके पास स्मॉल में थे, उसने उसको क्या किया, कन्वर्ट इन कैपिटल लेटर बट इन स्मॉल साइज, दिस इज कॉल्ड स्मॉल कैप। इज इट क्लियर बेटा, डाटा विल बी शिफ्टेड इनटू कैपिटल लेटर्स बट साइज विल बी रिड्यूस, तो जो कैपिटल लेटर वो तो कैपिटल ही रहेंगे, पर जहां भी हमने स्मॉल लेटर लिया हुआ है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, पर उसका फॉन्ट साइज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो अप्लाई दिस। HTML,
your next properties for making your text bold. Okay, for in HTML there is only B tag, so we have no any right ki humne kitna bold karna hai. ठीक है, बोल्ड की कितनी क्वांटिटी है, वी कांट सेट, बट हियर वी कैन सेट द बोल्ड क्वांटिटी. द प्रॉपर्टीज फॉन्ट, टेंथ डी स्टूडेंट यू आर टॉकिंग विद. वेट, तो फॉन्ट वेट इज देयर. तो इसका जो अपने वैल्यूज है, सो लुक एट हियर, वैल्यूज आर, वन इज नॉर्मल, तो एक बोल्ड होगा, नॉर्मल साइज का बोल्ड हो जाएगा. सेकंड इज हियर बोल्ड, थोड़ा सा से ज्यादा बोल्ड होगा. देन देयर इज अनदर वैल्यू बोल्डर, ठीक है, देन 100 भी हो सकती है, then 200 and it is up to 900. ठीक है, तो ये क्वांटिटी पहले है सिंपल नॉर्मल बोल्ड बोल्डर, देन लाइटर, देन 100, 200, 300, 400, 500 अप टू 900. तो आप किसी भी फॉर्मेट तक इसको बोल्ड कर सकते हो. अप्लाई दिस. स्मॉल गैप.